नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन और ये लास्ट है. यस सर. ठीक है. फंक्शंस इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फंक्शन टू सॉल्व द इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टर्म. जिसमें ये सब दिए होंगे ना उनको हमने सॉल्व करना है इनका यूज करके बैठे. ठीक है. एंड वी स्टडी द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2.75. हाँ, इसकी वैल्यू आपको पता है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा और उसकी वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने बताना है. ठीक है. वो कैसे निकाली है. वी ऑल्सो डिफाइन हाइपरबोलिक. अब ये लोगों को पता नहीं कौन से होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन. इनको ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स एच एक्स. अब आएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. टेंशन मत लो. और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का इनवर्स ये वाले पहले से इनवर्स ये की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू इस तरीके से होते हैं. वो आपको बताऊंगा मैं. Which involve combination of exponent. देखा बोला ना इसने. ये किनका combination होता है. Exponential का और logarithm का. मतलब पहले आपने कौन से पढ़ने हैं. Exponential पढ़ने फिर logarithm पढ़ने फिर combination पढ़ने. जैसे हम golf पढ़ते थे इसमें भी कर दिया. ठीक है. Exponential functions arise in many applications. Exponential function मैं start कर रहा हूँ. कौन से application है. एक सबसे बड़ी application यही है. Population growth. एक population start होती है p naught से. Initial value क्या है. p naught. Individuals. ठीक है. एंड देन ग्रोज एट एन एनुअल रेट ऑफ 2% 2% के हिसाब से ग्रो करती है. इट्स पॉपुलेशन आफ्टर वन ईयर इज आफ्टर वन ईयर पी वन जो है बेटा देखो होगा क्या. एक साल बाद वो किस रेट से ग्रो कर रही जी. 2% से. तो 2/100 इंटू पी नॉट. पी नॉट प्लस जो ऑलरेडी पॉपुलेशन थी उसमें ऐड कर दिया. 2/100 किया वो 0.02 आएगा और आपने इसको ऐड कर दिया. पी नॉट कॉमन ले लिया 1 प्लस 0.02 हो गया. पी नॉट इनटू 1.02. ठीक है भाई. इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी. P2 यानी कि ये हमारा कौन है. P1 है. यस सर. P1 प्लस. हां P1 प्लस फिर 2% इंक्रीज होगी. किसके ऊपर इस बार. अब P1 में इंक्रीमेंट होगा. उसी में बढ़ेगा नहीं. पहले P0 पे हो रहा था. P1 पे होगा. P1 में ही इंक्रीमेंट होगा ना 2% का. यस सर. तो फिर आपका ये आया P1 कॉमन आ गया अंदर आ गया 1.02. अब आप यहाँ P1 की वैल्यू रख दो. P1 की वैल्यू क्या. P1 खुद 1.02 ही है. P1 की वैल्यू क्या है. ये वाली P0 इनटू 1.02. 1.02 ओ होल स्क्वायर हो गया. मल्टीप्लाई कर गए ना भाई. ये वाला P1 जो था वो था P0 इनटू 1.02. 1.02 का क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर. तो आ गया P0 इनटू 1.02 होल स्क्वायर. ठीक है बच्चे. अभी आपने देखा कि P1 जो है वो आया P0 इंटू 1.02. यह आया बेटे P1. ठीक है बच्चे. इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद आपने पॉपुलेशन क्या निकाली बेटे. P0 1.02 होल स्क्वायर. P2 आपका आया बेटे P1 प्लस 0.02 इंटू P1. यही आया बेटे. और यह आया P1 इंटू 1.02 और ये आपने सॉल्व किया था P0 1.02 का होल स्क्वायर. पहले पॉपुलेशन ये थी पहले साल में और सेकंड ईयर में पॉपुलेशन ये होंगी. अच्छा ये बताओ अगर मैं टी ईयर के बाद बात करूंगा इन जनरल इट्स पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर. ठीक है. इट्स पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर टू पी नॉट. ये बेटे आ जाएगा आपका P0 1.02 होल पावर टी. ये आएगा बेटे. yes, तो ये आ गया पी टी. अरे भाई नहीं समझ आ रहा क्या. ये आ गया बेटे है ना. अब बच्चे विच इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जो कैसा फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ग्रो ही कर रहा है. विच इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. बिल्कुल सही बोला आपने. ग्रो कर रहा है. विच इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. लिख दो बेटे ऐसे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल इसलिए क्योंकि इसकी पावर एक्सपोनेंट है ना. जो भी कोई फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिख गया जिसमें एक्स जो है वो एक्सपोनेंट है या पावर में है उसको आप कौन सा फंक्शन बोल दोगे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगे. और जहां बी जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. पॉपुलेशन कभी नेगेटिव होती है क्या. नहीं हो सकती ना. ग्रोथ ग्रोथ कौन सा नेगेटिव होता है भाई. ग्रोथ नेगेटिव नहीं होगा ना. ग्रोथ तो बढ़ेगा कि माइनस में भी आ जाएंगे क्या लोग. ऐसा थोड़ा होगा. तो बी इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. बी हमेशा ग्रेट. और बी 1 के इक्वल भी नहीं होगा. ग्रोथ तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ग्रोथ. ये थोड़ा ना 1 एक ही बंदे को लेके घूम रहे हो यार. 1 की पावर क्या इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है भाई समझा रहा है. इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा. अगर नेगेटिव ले लोगे तो ग्रोथ होना चाहिए. एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ होगा ही होगा. वो इंक्रीज ही करेगा ग्राफ उसका. देखना भी ग्रेटर देन 0 होगा और बी 1 के इक्वल नहीं होगा. ये कैसा फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. कैसा है बेटे. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और इसका बेस क्या है. बी है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस बी. बेस बी है. ठीक है. और एक्सपोनेंट इसमें कौन है. एक्स है. एक्सपोनेंट इसमें है एक्स. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कांस्टेंट बेसिस. इनके बेस कैसे होते हैं. कांस्टेंट होते हैं. वेरिएबल एक्सपोनेंट होते हैं.
बेस इसका कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन जो वेरिएबल होता है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंट। अरे ठीक है, एक्सपोनेंट भी वेरिएबल, वही तो चेंज करता है। ये आपका कॉन्स्टेंट है और ये वाला जो है वो वेरिएबल है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती करते हैं, वो कह देते हैं सर अगर एक्स की पावर बी है तो ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। इसका मैंने नाम बताया था पावर फंक्शन, आप भूल गए हो, मैंने इसको लास्ट टाइम कराया था, आप पिछले लेक्चर हमारे सुनो, उसमें पावर फंक्शन नाम का एक वर्ड आया था और ये पावर फंक्शन है, क्योंकि एक्स की पावर, इसमें जो बेस है वो वेरिएबल है और जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, जबकि ये ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर जो होती है या एक्सपोनेंट जो होता है वो वेरिएबल होता है और ये कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन इसने इसमें उल्टा कर दिया। अगर आपको एक एग्जाम्पल देखना है तो आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर मेरे पास है 2 टू द पावर एक्स और एक है एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये जो मैंने बनाया है उधर वो कौन सा है भाई, ये कौन सा है, पावर फंक्शन। नहीं आ रहा समझ में, ये पावर फंक्शन है बेटे और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आप इसको देखना चाहते हो एक्स स्क्वायर को और 2 की पावर एक्स को, तो हम दोनों के ग्राफ अभी बनाएंगे बेटे और टेबल भी बनाएंगे इसका, ध्यान से देखना। बनाऊं मैं इसका, देखो बेटे 2 की पावर एक्स का अगर आप वैल्यूज लोगे, मैं लू दोनों की वैल्यू इकट्ठी ले लेते हैं, कहा बार बार टेबल बनाएंगे है ना, एक्स की वैल्यूज यहां पुट करूंगा और मैं 2 की पावर एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा और एक्स स्क्वायर की, दोनों की निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं ठीक है, फिर आप 2 की पावर एक्स निकाल देना और ये बेटे एक्स है। बेटे बताओ स्क्वायर को इन्होंने फिर एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं कहा, मतलब हो सकता है ना वो भी तो इंक्रीज कर सकता है इंटरवल अगर हम जैसे, फिर आपने वही बात कर दी भाई, मैंने बोला ना भाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए है क्योंकि जो पावर है वो वेरिएबल है, क्योंकि ज्यादा कहानी किससे होती है, वेरिएबल से ही होती है, इसकी पावर वेरिएबल है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी इसका बेस जो है वो वेरिएबल है इसलिए ये पावर फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अरे भाई ठीक है, पावर इसकी कांस्टेंट है और इसमें बेस क्या है, कांस्टेंट है, आ गया समझ में, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यूज 0, एक्स की वैल्यू आप शुरू करो, नेगेटिव चलो, नेगेटिव नहीं, क्या फिर आप गलती कर सकते हैं, वो तो बेस का बेस की बात है, -3 वो वन ही आ जाएगा ना, मैंने इसलिए कहा -2 -1 0, मैं बड़ा ना दिल से पढ़ाता हूँ कैलकुलस और उसमें उल्टी सीधी बातें करोगे समझ लेना फिर, हाँ -3 पुट किया एक्स की पावर -3 की पावर 2 बेटे क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 -1 का होल स्क्वायर 1 और 0 देखो बेटे वैल्यूज मैंने 0 और 1 तक ले ली थी हमने, चलो थोड़ी और आगे 1-2 ले लेते हैं यार, है ना, क्योंकि 0 से आगे भी तो बढ़ना है ना हमने, 2 की पावर एक्स या लिखता हूँ मैं वैल्यू, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ठीक है, देख लेना मैंने -3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या लिखी थी बेटे, 9 और 2 की पावर एक्स इसकी वैल्यू आई थी 1/8, -2 इसकी वैल्यू क्या आई थी 4 और इसकी आई थी बेटे 1/4, इसकी बताओ बेटे -1 पे 1 आई थी और इसकी 1/2 बेटे, इसकी बताओ 0 के ऊपर इसकी वैल्यू भी 0 आई थी 1 आई थी, इसकी बताओ बेटे 1 पे 1 2 आई थी, हाँ जी 2 पे 4 आएगी इसकी 4 और इसकी 4 आएगी, खुशी की बात है, देखो यहाँ क्रॉसिंग करने वाले इंटरसेक्ट 1 पे तो करते हैं, नहीं 2 पे कर रहे हैं, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा ये तो x स्क्वायर है ना, वो तो लॉगरिथम और वो 3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 9 और इसकी क्या आ रही है 8, देखो बेटे अब ये बेचारा घटना शुरू हो गया, अभी कभी नहीं करेगा, वो ऊपर चढ़ने लग गया 16, 4 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये कर रहा है यहाँ पे भी 16, देखो यही तो गलती है, अच्छा एक बार डिक्रीज होते टाइम भी करेगा और एक बार इंक्रीजिंग टाइम भी करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, 5 25 और ये 32 6 पे 36 और 64 क्या आगे नहीं कट करेगा, कर सकता है नहीं अब नहीं करेगा वो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक तरह से बढ़ गया, वो एक और ग्राफ ऐसा है जो आगे जाके फिर दोबारा कट करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको कराऊंगा, कौन सा है अभी कराऊंगा उसके बाद ही, हाइपरबोलिक ठीक है, वो आगे जाके कहाँ कट करता है वो बताऊंगा मैं ठीक है। देखो बेटे ये एक्स स्क्वायर और 2 की पावर एक्स का ठीक है, अब देखो दोनों के ग्राफ बनाते हैं, कौन से एक्सिस, वाई एक्स स्क्वायर को बच्चे पहले से जानते हैं, अच्छा मैं जानता हूँ कि दोनों की वैल्यू अब नेगेटिव तो आनी नहीं है, रेंज तो दोनों की पता है, ये कौन है पैराबोला, y equals to x square, x square का ग्राफ ठीक है बच्चे, ये x square है, ये बताओ 2 की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं देखूं तो जब माइनस इंफिनिटी से ये आ रहा था बेटे धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज कर रही थी ऐसे,
ऐसे ही कर रहा था ये इंक्रीज और इंक्रीज ही करता चला जा रहा था yes, sir. और फिर यहाँ जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटे वन आई थी सही चल रहा हूँ मैं yes, फिर आगे बेचारा ऐसे ही बढ़ा ऐसे बढ़ रहा था ये yes, इसकी जीरो पे हमेशा ही वन आएगी ऐसे बढ़ता चला गया अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये बढ़ रहा है ना ऐसे बढ़ रहा था यस सर अब देखो हुआ क्या यहाँ तक यहाँ जाके इसने फिर क्रॉस किया कहाँ क्रॉस किया इसने बताओ ये हमारा कहाँ जाके इंटरसेक्ट किया इसने टू पे देखो एक तो वन पे भी गया इसने वन पे गया फोर पे गया एक यहाँ पे माइनस वाले पे किया टू पे गया टू पे गया एक माइनस पे गया माइनस कहाँ पे किया बताओ यहाँ पे तो किया नहीं ये पीछे तो कहीं करेगा नहीं कि किस पे कर रहा है इंटरसेक्ट किया है वाले में किसी में या टू पे कर रहा है भाई इंटरसेक्ट की नहीं कर रहा है ये टू की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू के ऊपर एक बार फिर दोबारा से इंटरसेक्ट करता है ये ग्राफ ऐसे ऐसे जा रही है ऐसे जाता है ऐसे ठीक है और फिर ये इंटरसेक्ट दोबारा करेगा ऐसे अपनी आसन में और ये जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट बता दो कौन सा अभी तो निकाला था ये वाला 16 4 वाला 4 के ऊपर इसकी वैल्यू भी 16 आ रही है उसकी भी 16 आ रही है देखो दोबारा फिर इसने इंटरसेक्ट किया और लोगों को लगता है कि दोबारा इसने इंटरसेक्ट नहीं करना लोग यही गलतियां कर देते हैं देखो बेटे अगर आपने इवैल्यूएट करना है इवैल्यूएटिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने अगर इवैल्यूएट करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना ठीक है भाई प्रॉपर्टीज आपने एक्सपोनेंट की पढ़ी है कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है अगर एक्स पॉजिटिव इंटीजर है तो बी की पावर जो एक्स होगा वो होगा बी इंटू बी इंटू बी कितने टाइम्स होगा बेटे एक्स टाइम्स मैंने गलत लिखा है बेटे यहाँ एक्स फैक्टर्स ऑफ बी ठीक है इफ एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर अगर एक्स कैसा है बेटे नेगेटिव एक्स मान लो होगा नहीं ना मान लो नेगेटिव है मान नहीं खाता नहीं पावर पावर तो नेगेटिव से लेके आए हो आप सम पॉजिटिव इंटीजर वाई के लिए ठीक है तो बी की पावर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो बी की पावर माइनस वाई अगर एक्स नेगेटिव है तो ऐसे लिख सकते हो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो वन ओवर बी टू द पावर वाई ठीक है वन ओवर टाइम्स करता रहेगा यस और बी की पावर जीरो की आप लोग वैल्यू क्या निकालते हो वन निकालते हो अगर एक्स रैशनल नंबर हुआ हो सकता है रैशनल नंबर भी पॉसिबल है तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू मान लो पी बाई क्यू है तो बी की पावर क्या आ जाएगी पी बाई क्यू तो आप इसको पता क्या लिख सकते हो की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो बी की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू अच्छा एक और तरीका बताऊं एक और तरीका बताता हूँ एक और तरीका बी की पावर पी स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे लिख सकते मतलब स्क्वायर रूट जैसे मान लो ये बताओ अगर b की पावर p बाई टू होता तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता b की पावर p इंटू b की पावर वन बाई टू और फिर उसका अंडर रूट कर देता b की पावर p और अच्छा मतलब स्क्वायर रूट नहीं q का रूट हाँ भाई जैसे क्यूब रूट वैसे ही क्यू का रूट ठीक है अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल है जैसे 9 टू का पावर क्या है 3 बाई टू है और ये 9 की पावर 3 बाई टू है इसको लिख सकते हैं 9 टू द पावर 3 और स्क्वायर रूट गलत लिखा है मैंने इसकी वैल्यू आप बता सकते हो इजीली बता दो 6 हाँ बताओ बताओ तो 3 की पावर 6 क्या कर रहे हो भाई हाँ सही है सही बोला आपने हाँ 3 टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 और ये आंसर आ जाएगा 27 देखो कितना इजीली कर लिया आगे समझे तो इस तरीके से आप कर लोगे ना वैल्यू सॉल्व बी की पावर एक्स को डिफाइन करते हैं If x is an, अच्छा अगर x इरेशनल नंबर हो तो डिफाइंड होगा डिफाइंड इफ x इज इरेशनल नंबर होगा अगर x इरेशनल नंबर है ठीक है b की पावर रूट टू क्या बोलेंगे हम मैंने कि ग्राफ का ब्रेक लगाया था अच्छा रूट टू 1.4 बिल्कुल मैंने वैल्यू सभी के लिए ली थी कि नहीं मैंने b की पावर x पूरा बनाया था नहीं बनाया था इंक्रीजिंग ठीक है तो आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ नहीं बनेगा ग्राफ सभी जगह बन सकता है चलिए बताओ 2 की पावर रूट टू की वैल्यू क्या नहीं निकाल सकते हो 2 की पावर 1.4 बिल्कुल निकाल सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट इसका भी हम आंसर निकाल सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन समझते हो यस सर समझ आ रहा है और अप्रोक्सीमेशन से कैसे निकालते हैं वो वैल्यूज वो आपको मैं बताऊंगा आगे ठीक है इसके लिए एक सीरीज बनती है टेबल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेंगे बनाए देखो बेटे 2 की पावर एक्स फॉर ईच रैशनल नंबर एक्स फॉर ईच रैशनल नंबर एक्स इज रिप्रेजेंटेड इसको भी रिप्रेजेंट किया हुआ है लेकिन बहुत क्लोज ले लेके वैल्यूज बेटे वी क्लेम दैट इफ वी चूज रैशनल नंबर एक्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू रूट टू ठीक है द वैल्यू 2 की पावर एक्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू सम नंबर एल देखो बेटे होगा क्या एल मान लो हमारा है 2 टू द पावर रूट टू है ना बेटे अगर मैं एक्स की वैल्यू या लेता हूं कोई और या 2 की पावर एक्स की वैल्यूज भी लेता हूं बेटे यहां है 1.4 और यह आ जाएगा बेटे 2.639 वैल्यू पुट करने के बाद
मतलब टू की एक्स कौन है, ये रूट टू, रूट टू की वैल्यू अगर 1.4 लेंगे तो ये आएगा. अच्छा 1.4 ही होती है क्या वैल्यू? नहीं होती, 1.41 भी हो सकती है. तो वैल्यू क्या आती है, तो ये आ जाएगी 2.65737. अच्छा 1.41 नहीं लेनी तो आप 1.414 भी ले सकते हो, तो आएगी भाई 2.66475, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आए. तो आप क्या करोगे, ब्रेक लगा देगा, आप एक अप्रोक्स वैल्यू ले लोगे. अगर 1.4142 ले लो तो वैल्यू कुछ और आ जाएगी, तो आ जाएगी 2.665119. तो इस तरीके से वैल्यू आती रहेंगी. नहीं समझा रहा ये? अब आप बताओ फिर कौन सी वैल्यू आप लोगे? 2.6 ले लोगे. समझ आ रहा है? चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बोला आपने. तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं आ रही, लेकिन इरेशनल नंबर के लिए भी ये डिफाइंड है. ग्राफिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ बेटे, है ना. ग्राफिंग एक्सपोनेंशियल, वैसे पहले भी बना दिया, वो तो एक ही बनाया बेटे. हो सकता है बी जो है वो नेगेटिव हो सकता है बी लेस देन 0 हो सकता है बी 0-1 के बीच में हो. तो ग्राफ आपने बनाना है बेटे. अभी जो आपने जेईई मेंस के क्वेश्चन किए ना, इससे आपको आपको खुद को नहीं पता कि आपको कितना मोटिवेशन मिलेगा इससे. आपको ये फील हो रहा होगा कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ, मुझे हो रहे हैं क्वेश्चंस और मैं अभी कर ले रही हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम पीरियड है, तो मैं क्या रैंक ला सकती हूँ सोचो. आ रहा समझ में? जब किसी के अंदर ये डिजायर नहीं होगा तो वो नहीं कर सकता. लोग कब तैयारी करनी शुरू करते हैं? प्लस टू के बाद. प्लस टू के बाद हाँ, ठीक है. टॉप या जब प्लस वन में मिड में, मिड में है ना. एक्स एक्स डैश कुछ को तो अकल आती है प्लस टू के बाद, कुछ प्लस टू अभी चल रही है, मतलब डाउट है अभी भी. देखो बेटे अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, अलग अलग ग्राफ बनाता हूँ. सबसे पहले मैं 4 की पावर x का बनाऊँ, चलो 2 की पावर x का बनाए सबसे पहले. बना चुका है. अच्छा हाँ, पावर x का बनाया हुआ ना हमने, चलो 4 की पावर x बना लेते हैं. यस सर, है ना. चलो भाई 4 की पावर x का, देखो बेटे अगर 2 की पावर x का बनाओगे ना, पहले वो ऐसे जाएगा 1 पे कट करके. हाँ वो तो सारे जाएंगे ऐसे, ऐसे तो सभी जाएंगे. बिल्कुल सही बोला, क्योंकि 0 पे हमेशा 1 ही आती है, बिल्कुल सभी की वैल्यू आएगी. ये कौन है? 2 की पावर x. अच्छा 4 की पावर x का देखना बेटे, 4 की पावर x की खास बात है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी. कम होगी हाँ, क्योंकि फ्रैक्शन जितना बड़ा उतनी वैल्यू कम. समझ रहा है? इस तरीके से. और यहाँ उसकी वैल्यू 1 के बाद इंक्रीज करेंगे. जब 4 की वैल्यू 1 लोगे तो उधर 16 आएगी, तो उधर बहुत बढ़िया. बिल्कुल सही बोला आपने, यहाँ ऐसे चल रहा है. ये कौन है? 4 की पावर x. अच्छा आगे समझ में? तो 4 की पावर x और ये 2 की पावर x समझ लिए आपने, दोनों ग्राफ बन गए आपके, इजीली बना लिए. पावर x उससे भी बड़ा होगा. बिल्कुल सही बोला, ये 2 की पावर x है. अच्छा हाफ 1/2 की पावर x कैसे बनेगा? वो बेटे इधर से आएगा, 1/2 की पावर x, वो इधर से आएगा. 1/2 की पावर x, वो इधर से आएगा. मतलब 2 की पावर माइनस x से. 1/2 की पावर x, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 2 की पावर माइनस x, वही है सेम है. मतलब एक हिसाब से आप ये भी कह सकते हो कि इसकी ये क्या है, मिरर इमेज है. अच्छा ठीक है. और अगर आप वैल्यू पुट करके देखना चाहते हो लक्ष्मी, तो अभी आप 0 पे वैल्यू पुट करो 1 ही आएगी, लेकिन 1/2 की पावर अगर 1/2 की पावर अगर माइनस 1 लोगे तो 2 आएगी. हाँ, टू आएगी तो ऊपर ही चढ़ जाएगा. नहीं तो इधर से जाएगा ना, अभी नहीं आया सर. ठीक है, आ रहा है ना भाई? 4 लेंगे. अच्छा 1/4 तो ये 1/16, इसकी मिरर इमेज ले लो, इसकी मिरर इमेज ले लो. ये आया नहीं समझ में? ये जो बना वो किसका बना? 1/4 होल पावर. अच्छा इधर डिक्रीज करे क्योंकि फ्रैक्शन, ऑब्वियसली ये वाले फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं और ये वाले इंक्रीजिंग, जिसमें बेस जो है वो 1 से बड़ा हो वो इंक्रीजिंग होते हैं, और जिनमें बेस 1 से छोटा होता है वो डिक्रीजिंग होते हैं. आपने यहाँ से जान लिया, कोई डाउट है? और मैं इसमें ज्यादा समझाने नहीं वाला हूँ, ठीक है. ये इजिली आपको पता लग गया होगा, ठीक है. मिरर में से भी आप आइडिया लगा सकते हो. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के लॉज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और वैसे ये पता कौन सी क्लास का है? 7th-8th का. उसमें एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और आप लोग अपने छोटे भाई बहन से पूछ लेना, उनको भी आता होगा ये, ठीक है. और अगर नहीं आता तो उसे सीख लो यार, शर्माने वाली बात नहीं है. आता है, ठीक है. एज ग्रेटर देन 0, नहीं तो वो मजाक बना देंगे आपका. देखो फॉर एनी कॉन्स्टेंट्स एज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, पहला है बी टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई, यही बेटे ये आ जाएगा बी टू द पावर एक्स प्लस लॉग में भी लग जाती है. सही बोला आपने, सेकंड नंबर है बेटे, पावर एक्स अपॉन बी की पावर वाई, बी टू द पावर एक्स अपॉन बी टू द पावर वाई, बी टू द पावर एक्स माइनस वाई. ये बेटे पावर ऊपर चली जाएगी और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है. बी की पावर एक्स वाई, नहीं बी की पावर सेम वाला जो होता है बी टू द पावर एक्स होल पावर क्या है? वाई. वाई तो बी की पावर एक्स वाई जाता है, बी टू द पावर एक्स इंटू क्या आ जाएगा? वाई. फोर नंबर क्या है भाई? ए बी पावर एक्स, ए बी होल पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है. अच्छा ए एक्स अपॉन बी एक्स, मतलब ए टू द पावर एक्स अपॉन बी टू द पावर एक्स, यही है. ये बेटे आ जाएगा ए अपॉन बी होल पावर एक्स, ये बिल्कुल सही बोला आपने, ए अपॉन बी होल पावर एक्स. तो बहुत है इतनी प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन ही कर देते हैं प्रॉपर्टी से यूज करके. क्वेश्चन है यूजिंग, इजी था. और कुछ है इसमें? अच्छा
यूजिंग द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व दीज इक्वेशन ठीक है एक्सपोनेंट्स ठीक है एक्सप्रेशन सॉल्व दीज एक्सप्रेशन ठीक है एक्सप्रेशन है इक्वेशन नहीं है इक्वेशन इक्वल टू जीरो होता है इक्वेशन टू एक्स टू द पावर टू बाई थ्री होल पावर है बेटे थ्री अपॉन में है फोर एक्स माइनस वन बाई थ्री की पावर होल स्क्वायर ये कर नहीं लोगे क्या एट इन टू एक्स स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर आ जाएगा माइनस टू बाय थ्री गलत लिखा हमने ये आ जाएगा एट इंटू थ्री थ्री एक्स टू द पावर टू बाई थ्री इंटू थ्री 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 कैंसिल अपॉन ये मल्टीप्लाई कर 16 इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू बाय ऊपर चला जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा ये इसके साथ है ना वन बाय टू बन गया ये वन बाय टू बन गया ये वन बाय टू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर ये बेटे ऊपर चला जाएगा यस सर ये ऊपर जाके प्लस एट बाय थ्री यस सर करके देख लो टू प्लस टू बाय थ्री होगा सिक्स प्लस टू एट एट आ गया अपॉन टू बस हो गया नेक्स्ट बी वाला बताओ बी पार्ट क्या एक्स क्यूब वाई की पावर माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर होल पावर माइनस टू हाँ जी बेटे कैसे होगा ये तो एक्स की पावर सिक्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करो पहले और वाई टू द पावर माइनस टू वाई टू द पावर माइनस टू अपॉन एक्स टू द पावर माइनस टू हाँ जी वाई टू द पावर माइनस फोर वाई टू द पावर माइनस एक्स सिक्स एक्स टू द पावर सिक्स एक्स टू द पावर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर दे वाई टू द पावर माइनस टू है ना बेटे अपॉन क्या आएगा एक्स टू द पावर माइनस टू वाई टू द पावर माइनस फोर तो ये बेटे ऊपर मूव कर जाएगा एक्स टू द पावर एट बन गया वो हाँ जी वाई टू द पावर क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस टू सॉरी टू हाँ प्लस टू क्योंकि ये फोर हो जाएगा हो गया प्लस का हो गया बस हो गया ठीक है देखो बेटे एक्सपोनेंशियल में एक लास्ट टॉपिक बचा है बस वो है द नंबर ई स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन ही है appears frequently in real world applications. Exponential अलग अलग applications होती हैं किसकी exponential function की e की बात नहीं कर रहा मैं exponential की बात कर रहा हूँ To describe it, consider the following example of exponential growth, which arises from the compounding interest. वो पहले वाला क्या था rate था population का और ये क्या है compounding interest. Savings in a saving account. Suppose a person invests P dollar. कितना लगाया उसने P dollars in saving account with an annual interest rate कितना भाई R percent का compounded annually compound हो रहा है the amount of money after 1 year एक साल बाद money कितना मिलने वाला है उसकी बात करते हैं ठीक है बच्चे ये है amount amount क्या होता है principal plus interest principal plus और बेटे interest कैसे निकालते हैं rate into P कितना परसेंटेज है पी के ऊपर ठीक है तो यहाँ पी क्या ले लोगे आप कॉमन ले लोगे अंदर आ जाएगा वन प्लस मैंने कुछ गलत लिखा अच्छा था अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर टू ईयर ये तो वन ईयर में था बेटे अमाउंट टू इसी में ऐड कर देंगे हाँ जी बेटे अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर टू ईयर दो साल के बाद अगर आप देखोगे टू ईयर्स तो वो अमाउंट जो आएगा वो क्या होगा बेटे वो होगा ए और यहाँ मैं लिखूंगा बेटे टू और ये आएगा इक्वल टू अमाउंट इन वन ईयर प्लस अमाउंट ऑफ रेट इंटू अमाउंट इंटू वन ईयर ठीक है जितना रेट लगेगा है ना आएगा पी वन प्लस आर वन प्लस आर प्लस आर आर पी पी वन प्लस आर वन प्लस आर पी वन प्लस आर कॉमन पी वन प्लस आर कॉमन आ गया तो वन प्लस आर बचा होल स्क्वायर हाँ वन प्लस आर का होल स्क्वायर आ गया समझ में यस सर तो इसका भी फॉर्मूला बन गया हमारे पास ये टू ईयर के बाद आया तो टी ईयर्स के बाद हो जाएगा ईयर के बाद कितना आएगा पी वन प्लस आर की पावर टी बिल्कुल सही बोला तो अमाउंट आफ्टर टी ईयर वो आ जाएगा पी वन प्लस आर होल पावर टी बेटे ये आ गया अमाउंट कितना टाइम पीरियड के बाद आफ्टर टी इयर्स ठीक है तो ये कौन सा कंपाउंड अमाउंट है कंपाउंडेड जो एनुअली हो रहा है ठीक है इफ द मनी अगर जो मनी जो पैसा है इज कंपाउंडेड कंपाउंड कैसे हो रहा है बेटे वो कंपाउंडेड टू टाइम्स पर ईयर कितनी बार हो रहा है टू टाइम्स पर ईयर एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है बेटे टू टाइम्स ठीक है द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर हाफ ए ईयर इज तो ये बताओ हाफ ईयर के बाद कितना अमाउंट मिलने वाला है यानी कि हाफ ईयर की बात कर रहा है तो अमाउंट आफ्टर हाफ ईयर वन प्लस आर टू द पावर हाफ इक्वल टू पी प्लस अब जो रेट होगा वो 10% या 20% नहीं लगेगा उसका हाफ लगेगा क्योंकि भाई 6 महीने के लिए तो अमाउंट लिया है ना उसने तो जो रेट पूरे 1 ईयर का था वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो ये आ जाएगा फॉर्मूला बेटे पी वन प्लस आर ओवर टू ये आएगा बच्चे पावर सही है यहाँ तक कोई डाउट है किसी को सही है द अमाउंट ऑफ सही लिखा है पावर क्या मतलब
पावर कैसे? नहीं नहीं कुछ नहीं, सही है, p कॉमन ले लिया बेटा मैंने, वो p मुझे पावर लगा, बिल्कुल। द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर वन ईयर, आफ्टर वन ईयर क्या होगा? r प्लस टू प्लस r प्लस टू, आफ्टर वन ईयर इज ए वन इक्वल टू ए हाफ हाफ, और इसमें क्या ऐड होगा? r बाई टू इंटू ए हाफ। ये बताओ इसका मतलब, मुझे समझ आया आपको आया? अमाउंट हाफ ईयर के बाद, हाँ जितना था उसमें, और अब जो रेट था वो क्या हो गया? आर बाई टू, अगले छह महीने के लिए आर बाई टू, और फिर अमाउंट किस उस वाले पे लगेगा? इसी वाले पे लगेगा, हाँ, अमाउंट। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर ए वन बाई टू कॉमन, तो ये आ जाएगा वही पी वन प्लस आर बाई टू, पी वन प्लस आर बाई टू प्लस आर बाई टू, वही जो पीछे निकाला था आपने, पी वन प्लस आर बाई टू, और फिर देखना बेटे पी अगर आप कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा वन प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आ जाएगा, ठीक हाँ। लिखा है हमने, ये कितने टाइम पीरियड के बाद आया बेटे? आफ्टर वन ईयर, वन ईयर, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ टी टी ईयर के बाद कितना आएगा? पावर टी हो जाएगी बस, ये आ जाएगा अमाउंट आफ्टर टी ईयर इक्वल टू पी वन प्लस आर ओवर टू होल पावर, क्या हो जाएगा बेटे? टू। यहाँ पे आपने पी कॉमन कैसे लिया इस सेकंड वाले में? प्लस आर बाई टू, पी प्लस आर बाई टू लिखा है, पी प्लस पी बाहर आएगा, सॉरी ये गलती हुई है। अच्छा वन वन प्लस आर बाई टू, वन प्लस आर बाई टू, सही है, वहाँ पे पी होगा, पी वन प्लस आर बाई टू, हाँ ये सही है। अब ठीक है, पी भी आएगा यहाँ, यहाँ पे पी है, पी आएगा अब, ठीक है। हाँ। तो ये बेटे हमारा फॉर्मूला बन गया अमाउंट का, ठीक है। अब अमाउंट आफ्टर टी टाइम पीरियड के बाद में जो आएगा तो आएगा पी इंटू वन प्लस आर ओवर टू, टू लिखा है, गलती हुई है, आएगा जितने टाइम पीरियड, नहीं जितने टाइम्स, जितने टाइम्स एक साल में लिया, अगर तीन बार लिया ना एक साल में अमाउंट, तो आर बाई थ्री आ जाएगा। अगर यहाँ हाफ लिया था, दो बार लिया था आपने एक साल में, तो वो यहाँ टू आ गया था बेटे। मैं ये लिख देता हूँ, हाँ। लिख देता हूँ जो मैंने किया अभी, ये लिख देते हैं बेटे टी ईयर्स। अच्छा दो साल में इसलिए हाफ लिया होगा, हाँ जी, अगर थ्री होता तो वन बाई थ्री हो जाता, टी ईयर्स, हाँ थ्री टाइम्स एन टाइम्स पर ईयर, एन टाइम्स पर ईयर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया। अब बोलो इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो, और टू टी भी होगा साथ में, हाँ जी। अच्छा पावर भी होगा, पावर एन होल पावर टू टी, टू टी, टू टी, टू के टर्म्स में आ रही थी, तो ये पावर आ गई, ठीक है। अच्छा मोर जनरली इफ द मनी इज कंपाउंडेड एन टाइम्स पर ईयर, एक साल में एन टाइम, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट आफ्टर टी ईयर इज गिवन बाय द फंक्शन, किस फंक्शन से गिवन होगा? ये होगा ए टी इक्वल टू पी वन प्लस आर ओवर एन होल पावर, इस बार क्या आ जाएगा? एन टी आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी एन लिखना था, एन टी, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं वहां तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इफ द मनी इज कंपाउंडेड एन टाइम्स पर ईयर, द अमाउंट मनी इन द अकाउंट आफ्टर टी ईयर इज गिवन बाय दिस। सिर्फ एक ईयर की बात है, एक ईयर की बात। अब यहाँ पूरा फॉर्मूला, अगर मैं दोनों को कंपेरिजन, वॉट हैपेंस इफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन किधर जा रहा है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कितने टाइम्स? तो आ जाएगा वन प्लस आर ओवर एन होल पावर, क्या आ जाएगा? एन टी, जो आपने अभी निकाला था, इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन प्लस वन अपॉन एम होल पावर एम आर टी। एम एम को आपने क्या ले लिया? एन अपॉन आर, एम को क्या ले लिया? एन अपॉन आर, एम को अगर आप एन अपॉन आर ले लोगे, एन किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि नंबर कितने बार जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आंसर दिस क्वेश्चन, वी लेट एम को आपने क्या ले लिया? एन बाई आर ले लिया, एम की जगह आप एन बाई आर पुट करो, ये आपका एक मिनट, हाँ एमआरटी आर की जगह आप क्या पुट कर रहे हो? एन अपॉन एम, तो वो कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन एम आ गया, और यहाँ आपने एम आर पुट कर दिया एन की जगह, तो ये आ गया एमआरटी, भाई एन की जगह एम आर पुट कर दिया ना आपने, ये आ गया। अच्छा एक मैं टेबल से बताता हूँ आपको, इसका बिहेवियर जरा एग्जामिन करना, वन प्लस वन अपॉन एम होल पावर क्या है? एम, अगर एम किधर जा रहा होगा? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो इसका इसका बिहेवियर देखो क्या होता है फंक्शन का, ठीक है। चलो देखो बेटे, एम की वैल्यू, और मैं वैल्यू इसकी लिख रहा हूँ वन प्लस वन अपॉन एम होल पावर क्या है? एम, अगर मैं एम की वैल्यू टेन पुट करता हूँ तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2.5937, सॉल्व करके देख लेना। अगर आप m की वैल्यू 100 पुट कर रहे हो तो ये आएगा 2.7048। अगर आप m की वैल्यू बेटे 1000 पुट कर रहे हो तो ये आएगा 2.71692। अगर आप m की वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हो 10,000, क्या पुट कर रहे हो? 10,000, तो ये आएगा 2.71815। एक और वैल्यू आप ऐसे ही पुट कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। अगर आप ये ले रहे हो 30, फिर 30, देखना वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2.718280। बताओ कुछ चेंजेस है?
ये वैल्यूज आई 1 प्लस 1 अपॉन m होल पावर m की, जब m किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो वैल्यू किधर जा रही है, इसकी वैल्यू किधर जा रही है? इसकी वैल्यू जा रही है 2.7. ठीक है, इसकी वैल्यू किधर जा रही है? 2.7 या 2.7 और 8 के बीच में. हाँ, लिखा मैंने बीच में, उसके आगे जो आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो इसके बीच में ही आएगी. तभी अब इसको मिड में ले लेते हैं. यस, तो ये ही हमारा कौन है? बिकॉज दिस नंबर एज इसी नंबर इस फॉर्म में जो होता है उसको yes, बोलते हैं. 1 + 1 / m होल पावर m को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं. देखो बेटे, रेट और टाइम तो ज्यादा चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये वैल्यू तो चेंज होगी. 1 + 1 / m होल पावर m, इस वाले की मैंने वैल्यू निकाली है जब m कहाँ जा रहा है हमारा? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. m कौन है? मैंने आपको बताया था m क्या लिया हमने, n / r. n / r पूरे को मैंने क्या मान लिया? m मान लिया, कॉन्स्टेंट. और m को मैंने किधर भेज दिया? इन्फिनिटी की तरफ. और 1 + 1 / m होल पावर m को वैल्यू निकाली मैंने अभी, क्या आई? 2.7 और 2.8 के बीच में. अच्छा, e की वैल्यू लिख देते हैं. 2.7 7 1 8 2 8 2, मतलब वैल्यू बहुत वैल्यू जिसने भी जहां तक निकाल दी, कहीं पाई की वैल्यू के पीछे पड़े हुए, बहुत निकाली है वैल्यू लोगों ने, अभी भी निकाल रहे हैं. तो ये e की वैल्यू का बच्चे. अब बोलो, किसी की कोई डाउट है? अच्छा, e की पावर x का ग्राफ देखो बेटे. कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस. और ये कौन सी है? वाई एक्सिस. ई की वैल्यू अभी मैंने बताई आपको 2.718282, यही बोली आपने? यस. अगर ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाओगे तो बनेगा तो ऐसे ही, वन पे कट करके जाएगा, ऐसे जाएगा ना भाई? यस सर. 0 1. ई है कौन? 1 + 2.71 समथिंग और उसकी पावर एक्स. इसका ग्राफ ऐसे बनेगा. मान लो ये -1 है बेटे. अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ये कहीं ना कहीं इसका स्लोप क्या हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा. 0 तो कहीं नहीं हो रहा. जीरो कहाँ हो रहा? अच्छा, नहीं बनेगा. ये यहाँ एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री, और यहाँ इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे इसका स्लोप आएगा, थोड़ा सा सही नहीं बना है, बट ये हाँ ऐसे आप ठीक है, सही है. ये -1 पे इसको क्या कर रहा है? -1 पे, ठीक है. और ये -1 है. देखो मैं आपको बता देता हूँ स्लोप 1 क्यों आ रहा है. ये -1 है, ये यहाँ से डिस्टेंस क्या है? 1 है. और ये डिस्टेंस कितनी है? 1. आप ही नहीं आया सर. ट्रायंगल ये कितने डिग्री हुआ? 45 डिग्री हुआ. तो इसका स्लोप बता दो कितना आ गया? 1 आ गया. अभी नहीं आया. जो टेंजेंट किस पॉइंट के ऊपर है? 0.1 के ऊपर है. उसका स्लोप क्या है? 1 है. लिखूंगा यहाँ द ग्राफ हैज अ टेंजेंट लाइन, हैज अ टेंजेंट लाइन विद स्लोप 1, टेंजेंट लाइन विद स्लोप 1 एट x = 0, विद स्लोप एट x = 0.1, विद स्लोप 1 एट x = 0 के ऊपर इसका स्लोप 1 क्यों है? क्योंकि tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप tan थीटा ही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 1/1 के आगे 1, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो ये हमारा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन.